आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। आगरा में एक नर्सिंग होम के डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आगरा में संक्रमितों की संख्या 12 पहुंच गई है, तो वहीं निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज में शामिल होने के बाद लौटे जमातियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता दिख रहा है, जिसको लेकर सीमो डॉक्टर मुकेश कुमार वस्त ने चिंता जताई है। कोरोना वायरस के मामले देश और राज्य के साथ साथ शहर में भी बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में आईटी सेल के साथ साथ कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां दिन और रात स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहे हैं। आगरा में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। आगरा में एक नर्सिंग होम के डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब आगरा में संक्रमितों की संख्या 12 पहुंच गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर के बेटे की पहले ही कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ चुकी है। बेटे के बाद जांच में डॉक्टर पिता भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने दोनों पिता पुत्र को एसएन मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन में रखा है। साथ ही साथ डॉक्टर के संपर्क में आने वाले कर्मचारी और मरीजों को भी लगातार ट्रेस करने का काम चल रहा है, जिसको लेकर सीएमओ डॉक्टर मुकेश वत्स ने जानकारी दी। उनको हमने पहले से ही वार्ड में रखा हुआ है, अपने क्वारंटाइन वार्ड में। अब क्योंकि पॉजिटिव आ गए हैं, हमने उनको क्वारंटाइन वार्ड से आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। वहीं उनका 14 दिन तक इलाज चलेगा। दूसरे जो उनके साथ वाले हैं, वो भी हमने, क्योंकि इनका बेटा पहले से ही पॉजिटिव था, इसलिए इनको सबको क्वारंटाइन पर रखा हुआ है और ये 14 दिन तक लगातार क्वारंटाइन पर रहेंगे। इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो तो क्वारंटाइन में रख दिए, लेकिन कॉन्टैक्ट्स के भी कॉन्टैक्ट्स, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेस कर रहे हैं, जिससे कि वायरस जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक हम उसको फॉलो कर पाए। इसमें जो कल हम लोगों ने 104 लोग हैं करीब, जो विभिन्न मस्जिदों से हमने इकट्ठे किए हैं सस्पेक्ट्स, और उनमें से शायद 28 हमारे यहाँ निजामुद्दीन से आए हैं, बाकी लोग और जगह से भी इकट्ठे होकर आए हैं बाहर से। तो उनको सब को हमने कलेक्ट कर लिया है, वो मधु रिसोर्ट्स है, उसमें सबको रह रहे हैं आराम से। उनका सैंपल आज, उम्मीद है कि आज मैं सैंपल ले लूँगा। साथ ही निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज में शामिल होने के बाद लौटे जमातियों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। मंगलवार शाम को प्राथमिक तौर पर 34 की सूचना आई। उसके कुछ ही घंटों बाद शहर भर में चले ऑपरेशन क्लीन के बाद बुधवार सुबह तक ये आंकड़ा बढ़कर 100 के पार पहुँच गया है। इस संबंध में आज भी मैंने लेटर पर साइन किए हैं कि क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स चलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए चलेंगे। यदि इसमें कोई कमी पाई जाती है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ मुझे आगरा की जनता को ये भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर विदेश से आया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर तुरंत दें, और वो स्वयं भी जो आए हैं उनको आज 5 बजे तक का एक मौका और दिया जा रहा है। यदि आज भी कोई इन्फॉर्मेशन को छिपाता है, बाहर से आके चुपचाप बैठा हुआ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी को मधु रिसोर्ट में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में ठहराया गया है। यहाँ डॉक्टरों की टीम स्वास्थ्य जांच भी कर रही है। इसके अलावा मथुरा के भी जमाती भी सामने आए हैं। सी न्यूज से अनिल सिंह की रिपोर्ट।